की घोषणा करते हैं, जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मेहरबान है अदानी और अंबानी पर, तो दुनिया का घटक कल्याण ले अंबानी तुम ले जाओ, ले अंबानी तुम ले जाओ, ये है राजगति हरगति से गति का आपसी सामर्थ्य। इसलिए मानव कल्याण जी कहा करते थे, ये गलतियां आपके पास नहीं है, आपके योगियों के शोषण के शिकार हुई हो, और जो शोषण का शिकार है उस शोषित को यह मनगति शेरगति और राजगति कहीं भी घात डालने वाली नहीं है, आत्मसात नहीं है। ये तो मनगति राजगति शेरगति बनी ही इसी बिना पर, आपके शोषण के बिना पर, इसलिए ये आपके साथ कभी नहीं खड़ी हो सकती। अगर आप चाहते हो सर्वांगीण विकास हो, आपके बच्चे भी पढ़ करके अच्छे अच्छे पौधे पर जाए, बिजनेस क्लास में भी आप प्रवेश कर सको, आप भी उद्योग के मालिक बन सको, तो सत्ता हत्याना होगा, सत्ता हत्याना होगा, लाइफ ठीक की राजनीति करनी होगी, और साथ ही साथ जो लुटेरे हैं उनकी पहचान भी करनी होगी। अगर लुटेरों के साजिश के शिकार हो गए तो आप इसी तरीके से सतर्क ठोकरे खाते रहोगे, और अगर आपने समय होते इन लुटेरों से सावधान होकर अपना रास्ता अलग से बनाने का काम करोगे तो भविष्य भी आपका खुशहाल होगा। और जब आपके हाथों में सत्ता की बागडोर होगी तो मैं कह देना चाहता हूं, जो भी चाहोगे वो आपका मन चाह काम होगा। मानव कांशीराम जी ने यहां पर चार चार बार सरकार बना करके ये साबित कर दिया कि सत्ता वो चाबी है जिससे सभी प्रकार के दरवाजों का ताला खोला जाता है, सत्ता वो चाबी है जिससे हर प्रकार के दरवाजे खोल जाते हैं। इसीलिए साथियों आज सत्ता गलत हाथों में गई, सत्ता आपको अपने हाथों में लेना, और इसीलिए मानव कांशीराम के उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्वप्न को साकार करने के लिए हमारे उन तमाम महापुरुषों ने जो अपना पूरा का पूरा जीवन हमारे सम्मान और स्वाभिमान के लिए दिया है, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम इस मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के यहां से जाएं, और साथ ही साथ हम ये भी समझें हम हैं क्या। जब आपको मालूम हो जाएगा कि हम इनकी नजर में नीच हैं, हम इनकी नजर में अधम हैं, हमें अपमानित करने के लिए इनका धर्म बोलता है, हमको प्रताड़ित करने के लिए इनका धर्म बोलता है, हमें बेइज्जत करना, मारना, पीटना ये अपना धर्म मानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप उनसे दूरी बनाओगे। लेकिन उनके मनोभाव में फंस करके अगर आप फर्जी हिंदू बनकर बाबा जी बनने की कोशिश करोगे तो आपके अपने बेटे और बेटियों का भी हक जा रहा है, क्योंकि हमें अपने सीमित समय में ही सब कुछ इंगित करना था, मैंने इंगित किया, और इसीलिए मैं चाहता हूं साथियों सावधान हो, धर्म नहीं है धोखा, जिसको हम धर्म मानते हैं वो लुटेरों का धंधा है, इसलिए इससे सावधान रहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आपने देखा, दुनिया का सफल विद्वान होने के बावजूद भी जब इस भारत में आए तो कदम कदम पर उनको जाति अपमान के कड़वे दूध पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम आप कहां पर हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के बड़े विद्वान, हम लोग तो कुछ डिग्री लेकर किसी तरीके से पढ़ निकलते यहां तक आ गए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब दुनिया के सर्व विद्वान होने के बावजूद भी इस देश में इसलिए अपमानित किया गया कि यहां के व्यवस्था के ठेकेदारों ने उनको शूद्र समझकर के शूद्र कहकर के अपमानित करना अपनी शान समझते, और धर्म के ठेकेदारों ने लिख भी दिया कि ढोल गुमार शूद्र प्रस्ताव शकल का मैं देख जाऊ, तो मुझे ही पित्र शकल गुण ही ना, मुझे ही शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीण, गुणी भी है ज्ञानी भी है दक्ष भी है
ईश्वर भी है, तभी उसका सम्मान मत करो यदि वो शुद्ध है। कौन लिखा? कौन सा वचन नहीं लिखा ना? किसे लिखा? जो अपने धर्म स्वीकार करते हैं। आज ये सरकार भारतीय संविधान को बदलने की लगातार कोशिश में है, कोशिश की फेल हो गई तो भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकार को बिना विकल्प प्रहत किए निष्प्रभावी और शून्य कर रही है, आसन खत्म कर रही है, शिक्षा से वंचित करने के लिए शिक्षा को महंगी कर रही है, आपके आरक्षण को लाभ न मिले लेटर हिंदी की व्यवस्था लागू कर रही है। आज इन राज्य में संविधान की हत्या हो रही है। साथियों आगे हमें सावधान रहना है, संविधान बदलने की साजिश अभी तक नहीं हुई, वो निरंतर आगे चल रही है। हमें संविधान बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए हमेशा संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ना होगा। इसीलिए मैं क्योंकि दोपहर का भोजन का भी समय आपका हो गया है, तो इसीलिए मैं आपसे फिर करूंगा, इसके बाद भोजन के बाद फिर सब चलेगा, इसलिए मैं फिर करूंगा कि साथियों सत्ता वो चाबी है जिससे सभी प्रकार के दरवाजे खोले जाते हैं। इसलिए एक ही साधे सब सुधे सब साधे सब जाए, एक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़िए, सत्ता हथियाइए, सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करिए, आरक्षण की रक्षा करिए, संविधान की रक्षा करिए, अर्जुन का अत्याचार करने वालों की जुबान पर ताले लगाने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने महापुरुषों को नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बात पर विराम देता हूँ, विदा लेता हूँ। जय हिंद।